नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। फिर से आपके लिए मैं आज का ताजा सरसों मंडी भाव लेके आ गया हूं। इस वीडियो में हम लोग देश के प्रमुख सरसों मंडी भाव जानने वाले हैं कि आज कितनी गिरावट आई, कितनी उछाल आई, किस मंडी में आज सबसे अधिक सरसों की भाव रही और क्या किसान भाइयों को अभी सरसों बेच देना चाहिए या नहीं। दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद आपको पूरी डिटेल से पता चल जाएगा कि आज का आखिर मंडी भाव के हिसाब से सरसों का भाव में उछाल आ रही है या गिरावट आ रही है। सबसे पहले शिवानी मंडी की बात कर लेते हैं। दोस्तों शिवानी मंडी में सरसों का भाव रहा है 6260 रुपए क्विंटल, रेवाड़ी मंडी में सरसों का भाव रहा है 6300 रुपए क्विंटल से लेकर 6856 रुपए क्विंटल तक। चरखी दादी में सरसों की भाव रही है 6100 रुपए क्विंटल से 6620 रुपए क्विंटल तक। ताड़ू मंडी में सरसों की भाव रही 6200 रुपए क्विंटल से 7000 रुपए क्विंटल तक। उजाना मंडी में सरसों की भाव रही 6364 रुपए क्विंटल। डब वाली मंडी में सरसों की भाव रही 6200 रुपए क्विंटल से 6350 रुपए क्विंटल तक। जयपुर मंडी में आज सरसों की भाव रही 6800 रुपए क्विंटल से 7025 रुपए क्विंटल तक। जयपुर मंडी में 75 रुपया डाउन देखा गया है। दोस्तों हालांकि कुछ दिनों से 200 से 300 रुपए क्विंटल सरसों के भाव में डाउन देखा जा रहा है। दिल्ली में आज सरसों की भाव रही किसान भाई 6600 रुपए क्विंटल से 6725 रुपए क्विंटल। आदमपुर में आज सरसों की भाव रही 6380 रुपए क्विंटल। भुंडा मंडी में सरसों की भाव रही 6340 रुपए क्विंटल। इलाहाबाद मंडी में सरसों की भाव रही 6362 रुपए क्विंटल। भट्टू मंडी में सरसों की भाव रही 6467 रुपए क्विंटल। सवाई माधोपुर में सरसों की भाव रही 6170 रुपए क्विंटल से 6545 रुपए क्विंटल तक। बूंदी मंडी में सरसों की भाव रही 6257 रुपए क्विंटल तक से 6372 रुपए क्विंटल तक। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, मंडवारी मंडी में सरसों की भाव रही 6315 रुपए क्विंटल से 6908 रुपए क्विंटल तक। सूरतगढ़ मंडी में आज सरसों की भाव रही 5500 रुपए क्विंटल से 6350 रुपए क्विंटल तक। तो ये थी आज का कुछ ताजा सरसों मंडी भाव। अब ये सवाल उठता है कि किसान भाइयों को क्या अभी सरसों बेच देना चाहिए। अभी दोस्तों हालांकि बड़ा सही समय चल रहा है सरसों बेचने के लिए, सटीक समय है। अभी सरसों का भाव भी अच्छा खासा चल रहा है। दोस्तों जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेने वाली है और शायद सरसों का भाव कम हो सकती है। तो दोस्तों आप अगर बेच दें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगी। तो इसी प्रकार से ताजा सरसों मंडी रिपोर्ट हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आपको इस चैनल में सरसों मंडी भाव, अनाज मंडी भाव, सरसों रिपोर्ट शाम को मिलती रहती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद।